Hi. Life is mobility. Mobility is life. I have before me a 62-year-old gentleman from West Bengal who believes firmly in this philosophy. He and his wife are very keen on traveling. Yes, since his mobility was affected, he came and visited me 2 years back and he wanted to get a biological treatment done for his knees. However, because of the pandemic, he couldn't come immediately and he has now come back to me along with his wife. He was suffering from mild to moderate osteoarthritis. These are his x-rays. I will be putting up these x-rays to you. I will show you this gentleman who is sitting in front of me and then we will talk to him to find out his condition after the recent orthobiological treatment. नमस्ते मिस्टर अशोक चौधरी, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा है। आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ? पीआरपी हुआ, बोथ नीज में पीआरपी डाल के। एक दिन हो गया? एक दिन, दो दिन हो गया। दो दिन हो गया? हाँ। अभी आप कैसे लग रहे हैं आपको? अब ठीक लग रहा है। पहले आपको क्या कैसे दर्द होता था, कब कब दर्द होता था? कब कब दर्द होता था? पहले तो राइट नी में दर्द होता है, लेकिन उसमें बजे में 3 महीने हो गया और लेफ्ट नी में दर्द होता है, इसलिए आपका पास आया। तो आप ये नी पेन की वजह से आपका क्या लाइफ में क्या फर्क पड़ा आपको? फर्क पड़ा माने जो नॉर्मल ड्राइव वो काम नहीं करता और दूर से पैदल नहीं जा सकता और साइकिलिंग नहीं कर सकता, यही है। और पहाड़ में चढ़ना नहीं सकता। आप जो है पहाड़ चढ़ने के लिए इच्छुक है, जैसे नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ये सब जाना चाहते हैं? हाँ। और आपको कुछ काम जगह रह गया है कम जिसमें आप नहीं गए, इसलिए उसको देखना चाहते हैं? हाँ। वेस्ट बंगाल सब कुछ देख लिया आपने? ना, सब कुछ नहीं। हाँ। देख लिया। हाँ। और दार्जिलिंग। हाँ। और गैंगटॉक। हाँ। युमथांग। हाँ। मसूरी भी देख लिया। हाँ। और ऐसे ऐसे कुछ जगह में देख लिया, शिमला देख लिया, मनाली। हाँ। देख लिया। जम्मू कश्मीर देख लिया? नहीं, जम्मू कश्मीर नैनीताल बाकी है। तो उधर जाना चाहते हैं? होना जाना चाहते। तो जो है देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ठीक है, तो शायद आप हम लोग लद्दाख तो जा देख लिया होगा। हाँ। लद्दाख देख लिया? नहीं 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 नहीं। हाँ, तो अभी लद्दाख जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। अभी आपको ये इंजेक्शन लगाया दोनों घुटने में, वो प्रोसीजर क्या है सर? हमने जो प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट किया हुआ है, आप देखेंगे उस वीडियो में कि कैसे आपका ब्लड लिया और ब्लड से कैसे पीआरपी बनाया और वो इंजेक्शन आपके घुटने में डाला, वो उसमें प्रोसीजर में आपको कोई तकलीफ हुआ? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। ब्लड 30 ml निकाला। आप तो लैब में काम कर चुके हैं बहुत दिन से, 30 years आपने काम किया है मेडिकल? 35 years। 35 years। तो कैसे बनाया ब्लड निकाल करके, क्या किया उसको? पहले जो 30 ml ब्लड निकाला, उसको तो सेंट्रीफ्यूज में दे दिया ना। हाँ। दोनों सिरिंज में सेंट्रीफ्यूज में दे दिया। हाँ। दिए वो सेंट्रीफ्यूज में दे दिया, वो प्लाज्मा। हाँ, निकल गया ऊपर? निकल गया ऊपर प्लाज्मा। हाँ। नीचे में RBC और WBC भी आ गया। हाँ। तो स्टेप ऊपर जो प्लाज्मा है। हाँ। उसमें प्लेटलेट है। हाँ। हाँ। वो प्लेटलेट कैसे काम करता है? प्लेटलेट कैसे काम करता है? और घुटने के वजह से। हाँ। घुटने के वजह से वो प्लेटलेट को क्या सेल का फट जाता है। हाँ। और उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके साथ छूने से फट जाता है। छूने से फट जाता है। हाँ। और वो भी अंदर से वो ग्रोथ फैक्टर काम करता है। वेरी गुड। हाँ। वो ग्रोथ फैक्टर करके कार्टिलेज को रिपेयर करता है। रिपेयर करता है। हाँ। तो यही है, आपको बिल्कुल अच्छी समझ गया आपको। आपको ये जरूर ये काम करेगा, कई दिन तक काम करेगा आपका, क्योंकि माइनर डिग्री का आर्थराइटिस है, कई दिन तक काम करेगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको आज मैंने जो एक्सरसाइज बताया है वो करते रहिए और बाद में रिव्यू के लिए आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत आपसे मिलने का।
अभी मैं लोगों को जो है आपका एक्सरे एक्सरे तो एमआरआई रिपोर्ट दिखा दूंगा, एमआरआई का जो आप एक्सरे लाना भूल गए तो एमआरआई का जो रिपोर्ट है वो उसका फोटो लेकर के अटैच कर दूंगा, और ये आपका एमआरआई रिपोर्ट 2 साल पहले कराया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियो देखते रहिए, और अभी जो है आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। I hope you found the information in this video useful. If you did, consider subscribing to my channel, Madras Joint Replacement Center. Like and share. I'm signing off now. I'll see you in the next video. Cheers.